हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पढ़ो लिखो एंड सब कुछ। और आज हम सीखने जा रहे हैं पेंट के बारे में। हमारा आज पेंट का फर्स्ट डे है, तो आज हम पेंट के बारे में केवल बेसिक जानकारी देखेंगे कि पेंट ब्रश के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं और किन किन टूल्स को हम यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पेंट ब्रश को स्टार्ट करेंगे। पेंट ब्रश स्टार्ट करने के लिए मेरे पास, क्योंकि विंडोज 8 है, तो हम विंडो के बटन पर क्लिक करेंगे। विंडो के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन पेंट। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेंट की स्क्रीन कुछ इस तरीके से खुल के आएगी। अगर आपके पास में विंडो 8 से पुरानी कोई विंडो है या कोई और सी विंडो है, तो उसमें यहाँ पर आपका विंडो बटन की जगह स्टार्ट बटन आ रहा होगा। उस स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर एसेसरीज, और एसेसरीज के अंदर आपको विंडो पेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से हम स्क्रीन के ऊपर जो हमें चीजें दिखाई दे रही है उनके टूल्स के उनके नामों के बारे में एक बार पता कर लेते हैं कि किस किस चीज को हम क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर की इस बार की, जिस बार को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। इसे टाइटल बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो विंडो खुला हुआ है उस विंडो का टाइटल लिखा हुआ है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है क्या कि अनटाइटल इसमें लिखा हुआ है और पेंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये क्या है, विंडो की जो पेंट है, पेंट की आपकी विंडो खुली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें ये तीन बटन है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन में तीन बटनों में से सबसे पहले बटन का जो नाम है वो है मिनिमाइज बटन। जब हम मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो छोटी होकर टास्क बार के अंदर आ जाती है। जब हम इस पर वापस क्लिक करेंगे तो हमारी वापस विंडो बड़ी हो जाएगी। इसी के अलावा दूसरा बटन है हमारा रिस्टोर बटन, या फिर मैक्सिमाइज बटन भी हम इसे बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये रिस्टोर बटन बना हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो विंडो हमारी एक लिमिटेड साइज के अंदर आके सेट हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज हो गई है ये। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, कितने भी साइज में छोटा कर सकते हैं, जितने बड़े आपको साइज में करना हो। अगर आपको एक साथ एक स्क्रीन पे एक या दो या दो से ज्यादा विंडो सेट करनी होती है तो हम इसे अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, ताकि हम दो या उससे ज्यादा विंडो को एक साथ देख सकें। जब हमारा ये मैक्सिमाइज बटन बन जाता है, उसके बाद में जब हम इस पर वापस क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज बटन बन गया है। अब मैक्सिमाइज बटन क्या हो गया, अभी हमारा रीस्टोर बटन बन गया है, यानी कि ये रीस्टोर और ये हमने वापस क्लिक करा तो मैक्सिमाइज बटन। जब हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल बटन हो गए और ये टाइटल बार। इसके नीचे यहाँ पर आती है हमारी मेन्यू बार, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू दिए गए हैं जिसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। फटाफट से इन मेन्यू के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या मेन्यू क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर हमारा सारा फाइल से रिलेटेड वर्क होगा कि हमें फाइल को नई बनानी है, ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, या हमारे को इसको स्कैनर या कैमरा को चूज करना है, या फिर फाइल को हमारे को मेल करना है, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं प्रॉपर्टी के बारे में, प्रिंट के बारे में, या फिर एग्जिट, यानी कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। एग्जिट का वर्क और क्लोज बटन का वर्क लगभग सेम ही है। जब हम इन पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि हमें अपनी फाइल को सेव करना है या नहीं करना, और फिर हम उसको ऑप्शन को जवाब देकर उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे, आपके एक 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 दिन हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। फाइल मेन्यू के बाद में हमारे पास आता है होम मेन्यू। होम मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर सारा कट कॉपी पेस्ट का काम होता है। इनको हम यूज कैसे करेंगे, इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बॉक्स है हमारा इमेज। इमेज के अंदर सेलेक्ट करना, यानी कि किसी भी चीज को सेलेक्ट करके हम अपनी स्क्रीन से हटाना चाहते हैं, उसे कॉपी करना चाहते हैं, जो भी हम उसको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसी भी इमेज को क्रॉप करना है, यानी कि इमेज में से थोड़ा सा हिस्सा हमें काटना है, रिसाइज करना है, या रोटेट करना है, कुछ भी हमें करना है हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे टूल्स जो है पहला ये है पेंसिल के लिए। पेंसिल को यूज करना है, यानी कि हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग कुछ भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे कैसे कैसे करेंगे। ये जो हमारा है फिल करने का, इससे हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। फिर ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि इसमें हम क्लिक करके कुछ भी हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आगे इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जब हम टाइप करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, इसको भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद में इरेजर टूल। इरेजर टूल से हम कुछ भी इरेज कर सकते हैं। पिक कलर, पिक कलर यूज होता है पिक कलर के लिए, मैग्नीफाइंग यानी कि जूम करने के लिए। इसके बाद हमारे आते हैं ब्रश। ब्रश के अंदर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्रश हैं, जैसे कि हम अपने घरों में भी नॉर्मली यूज करते हैं, पेंट ब्रश यूज करते हैं, फाउंटेन पेन यूज करते हैं, क्रियोन यूज करते हैं, स्केच पेन यूज करते हैं। ब्रश में भी हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टिप के ब्रश होते हैं। जैसे आप देखते हैं ड्राइंग में 0 नंबर का ब्रश होता है,
फ्लैट ब्रश होता है या फिर राउंड ब्रश होते हैं, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ब्रश हैं, स्प्रे हैं, जिन्हें हम यूज करेंगे। इन सबको यूज करके हम धीरे धीरे आपको आगे बताते जाएंगे कि किस तरीके से हम अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे कुछ पहले से प्री डिफाइंड शेप हैं, कुछ दी हुई शेप्स हैं पहले से, जिन शेप को हम यूज करके बहुत ही सुंदर और अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। इसके बाद में हमारा ये आउटलाइन कलर आ जाता है किसी भी शेप को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे हमने कोई शेप ड्रॉ कर लिया तो ये इसका आउटलाइन कलर, अगर आपको आउटलाइन कलर कोई सभी चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर करना चाहें वो यहाँ से आप आउटलाइन का कलर कर सकते हैं। इसके बाद में फिल कलर, कोई भी आपको फिल कलर करना है तो वो आप यहाँ पे फिल कलर कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पे फिल कलर ले सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में ऑप्शन है, जो भी हम यूज करना चाहें उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में साइज की, कोई भी आपने जो ऑप्शन लिया है उसकी आपको बाउंड्री का लाइन का जो साइज है वो कितना छोटा या पतला रखना है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं लाइन पे क्लिक कर रही हूँ, जो सर्कल है उस सर्कल की लाइन हमारी जो है वो चेंज हो रही है, तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दो कलर है, एक हमारा बैकग्राउंड कलर और एक फोरग्राउंड कलर। जैसे भी मेरी यहाँ पर इमेज सेलेक्ट है तो मैं चाहती हूँ इसका जो बाउंड्री का कलर है वो येलो ना हो कि ग्रीन हो जाए, तो ये ग्रीन कर दिया है, और मैं चाहती हूँ फिल कलर जो है वो हमारा येलो हो जाए तो मैंने येलो कलर को फिल कलर में चेंज कर दिया। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एडिट कलर का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक और बॉक्स हमारे पास में खुल के आता है जिसमें हम कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए वो आप कलर सेलेक्ट कर लें, उनको लाइट या डार्क हम अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी वैसे उसे कर सकते हैं। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम बस केवल आपको एक रिव्यू दे रहे हैं कि पेंट ब्रश के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को हम क्या क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये होम मेन्यू कम्प्लीट हो जाता है, जिसके अंदर क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, ब्रश, शेप और कलर आते हैं। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन व्यू। व्यू के अंदर क्या है कि जूम इन और जूम आउट, यानी कि किसी भी पिक्चर को आपको बड़ा करके देखना है तो आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट यानी कि छोटा कर सकते हैं। 100% यानी कि मैं चाहती हूँ जो मेरी फाइल है, जो मेरा पेज है वो पूरा का पूरा फिट हो जाए स्क्रीन के ऊपर, हाइट वाइज भी और विड्थ वाइज भी, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। रूलर, किसी भी चीज को आपको नाप तोल के बनाना है तो आप यहाँ से नापने के लिए रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिड लाइन, कई बार बहुत से लोगों को आदत होती है कि जो ड्राइंग करते हैं वो विदाउट ग्रिड लाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन आपके पेज पर शो हो तो इस तरीके से ग्रिड लाइन भी आपके पेज पर शो हो सकती है। आप इन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएंगी, वापस क्लिक करेंगे तो आ जाएंगी। ये एक तरीके से ऑन और ऑफ की तरह से काम करते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस काम करते हैं, ऑन या ऑफ, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा यह है स्टेटस बार। स्टेटस बार किसे कहते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, और ये जो है हमारे बॉटम में ये हमारी होती है स्टेटस बार। पेंट ब्रश के अंदर जो बॉटम में जो बार आ रही है इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। इस स्टेटस बार के अंदर हमें पता होता है कि जो हमारा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं माउस के पॉइंटर को लेके जाऊंगी तो हमारे को एरिया बताता है कि कितने पिक्सल से कितने पिक्सल तक हम आ गए हैं, हमारे को हमारी जो ड्राइंग है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है ये कि उसका साइज कितना है। उसके अलावा जूम इन और जूम आउट का बटन भी हमारा इस स्टेटस बार पर है कि हम चाहें तो अपनी इमेज को यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटस बार है, अगर आप स्टेटस बार नहीं चाहते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं, आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फुल स्क्रीन, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पिक्चर है वो पूरी की पूरी फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तो यहाँ से हमारे क्लिक करने पर फुल स्क्रीन पर पिक्चर फुल स्क्रीन पर आ जाएगी, वापस हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन वापस नॉर्मल साइज में आ जाएगी। एक है हमारा ये ऑप्शन थंबनेल। थंबनेल का क्या काम होता है, थंबनेल में होता है कि मैं अगर किसी भी कोई भी मैंने ड्राइंग बनाई है और उसको मैं बड़ा करके देखना चाहती हूँ, सॉरी बड़ा नहीं, उसको मैं थंबनेल के ऑप्शन में भी देखना चाहती हूँ, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। जो थंबनेल है वो हमारा अभी यूज नहीं हो रहा है, इसको हम बाद में आपका यूज करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं थंबनेल को, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पर हमने ऑप्शन पढ़े फाइल मेन्यू, होम मेन्यू और व्यू मेन्यू। इसके अलावा जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, कोई भी हमने टेक्स्ट बॉक्स ओपन करा है तो यहाँ पर एक नया टूल बॉक्स आ जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट टूल बॉक्स यहाँ पर आ गया है। इस टेक्स्ट टूल बॉक्स में क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पर टाइप करना चाह रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया है, तो उसको आप सेलेक्ट करके उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट का लिखने का तरीका वो आप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, जितना भी आपको साइज चाहिए उतना साइज आप अपने टेक्स्ट बॉक्स का कर सकते हैं। इसके अलावा जो शेप है उस शेप को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सपोज कुछ लिख दिया है ए बी सी, मैंने यहाँ पर एक टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद में आप देख रहे हैं कि मुझे पीछे की बैकग्राउंड भी दिखाई दे रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो जिस भी इमेज के ऊपर हो उसके पीछे का कुछ भी बैकग्राउंड ना दिखाई दे, तो आप इसे ओपेक पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चाहे जो मर्जी वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट अगर आप करते हैं तो ट्रांसपेरेंट में हमें क्या होगा, बैकग्राउंड भी दिखाई देगा। अगेन ये हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है उस टेक्स्ट बॉक्स का फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए मैंने सपोज टेक्स्ट का कलर जो भी है वो चेंज करा है, मैंने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। और ये मेरा बैकग्राउंड कलर, मैं बैकग्राउंड कलर को ऐसा करना चाहती हूँ तो वो हम बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि आप देना चाहें वो यहाँ पर हम इसमें कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी क्योंकि मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ओपेक है इसलिए पूरा नहीं आ रहा है, जब मैं इसे ओपेक पे क्लिक करूंगी तो देखिए पूरा जो है हमारा इसमें कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये है हमारा पेंट ब्रश का रिव्यू, आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी हम हर रोज एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप देखना ना भूलें और लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।